हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 1 जनवरी 2021 है, कहने का मतलब है कि एक नई शुरुआत आप लोगों को करनी है। 2020 कैसा बीता उसको भूल जाइए कि कोई कोरोना था, कोई महामारी थी जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब नया साल आया है तो एक नई शुरुआत कीजिए और आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है, जो भी एग्जाम आपको फाइट करना है, उसकी तैयारी में आज से और अभी से लग जाइए, मेहनत करने लग जाइए। एक गोल बना लीजिए कि आपको जो भी बनना है, जो भी आपको करना है, 1 जनवरी 2022 तक आपको कंप्लीट करना है और जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाना है, तभी इस नई शुरुआत का मतलब है। चलिए बात करते हैं हमारे एग्जाम के बारे में। जेट, आईसीआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो जेट और आईसीआर दोनों के ऊपर आपके आज आज के लिए 1000 ऑफ हैं। इन कोर्स की जो प्राइस है आईसीआर और जेट की 4000 रुपए है। सबसे पहली बात, आप जेट और आईसीआर दोनों की तैयारी आपके एक ही फीस में हो रही है, ओनली 4000 में। बट आज इसके ऊपर डिस्काउंट है, जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है, जिनको भी कोर्स परचेस करना है, आज परचेस कर लीजिए, क्योंकि सीधा सीधा 1000 का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इस कोर्स की प्राइस है 3000 रुपए और यही कोर्स आज आपको मिलेगा मात्र 2000 रुपए में। तो बिल्कुल आज ही परचेस कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि बहुत बढ़िया समय है। नई शुरुआत कीजिए और एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि अभी से तैयारी करोगे तभी एग्जाम फाइट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में पढ़ के जेट आईसीआर फाइट कर लिया, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है, इस बात को आप भी जानते हो। तो आज से तैयारी में लग जाइए। अब बात करते हैं कोर्स प्राइस के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर थोड़ी सी कोर्स की प्राइस और कम कर दीजिए। आप एक बात सोचो, जब कोरोना नहीं था आप जेट आईसीआर की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाते थे, कोई शहर में आप जाते थे, सपोज करो आप कोटा जा रहे हो। अब कोटा में सपोज करो जेट आईसीआर की जो फीस है वो है 15000 रुपए, तो 15000 रुपए लगे। क्या 15 में काम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा आपको रूम का रेंट देना पड़ता था, वहां रहने का खर्चा है, घर से दूर आप रह रहे हो, घर के बाहर का खाना आप लोग खा रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी आप वहां देते थे। रीजन क्या था कि आप बिल्कुल, आपको लगे कि हाँ यार हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। वही कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है, आपको वही फीलिंग आने वाली है जो फीलिंग आपको एक ऑफलाइन बैच के अंदर आती है। आप लोगों ने डेमो वीडियोस देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो देरी किस बात की, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है सरकार का कि कब बोल दे कि वापस 15 दिन का लॉकडाउन। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो ऑफलाइन तैयारी करेंगे, तो 3000 रुपए में कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। आप तैयारी अभी से कीजिए और आपको मजा आएगा, आप कहोगे कि हाँ यार ऑफलाइन से बेटर है ऑनलाइन तैयारी करना। आप एक बार ऐप पे जाइए, डेमो वीडियोस देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वाकई में एग्जाम की तैयारी किस तरीके से हमें करनी है। बात करते हैं ऑफर के बारे में। आज सीधा सीधा 1000 का डिस्काउंट है। आप बच्चों के कमेंट आए कि सर प्राइस थोड़ी कम कर दीजिए। इस प्राइस के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, बड़ी मजेदार स्टोरी है। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति नारियल की दुकान पे गया नारियल लेने के लिए, उसको नारियल चाहिए था पूजा के लिए, ठीक है। और जब वहां पे जाता है और नारियल का भाव कराता है कि भैया जी नारियल कितने का दिया, तो भैया जी बोलते हैं कि भाई साहब 20 रुपए का है। जो लेने वाला था वो क्या बोलता है कि क्या मुझे 15 में मिल सकता है? तो दुकान वाला बोलता था कि मेरे पास तो 15 का नहीं है, मैं तो 15 का नहीं दूंगा, यहां पर तो जो प्राइस है इसकी 20 रुपए है, लेकिन आप अगर यहां से थोड़ा आगे चले जाओगे, मतलब एक और मार्केट है, वहां पर आपको यही नारियल 15 रुपए में मिल जाएगा। जो नारियल लेने वाला था वो वहां से थोड़ा आगे चले जाता है और वहां जाके पूछता है कि भैया जी मुझे नारियल लेना है कितने का है? तो भैया जी बोलते हैं कि 15 रुपए का है। तो नारियल लेने वाले के मन में एक बात आई कि हाँ यार उस दुकान वाले ने सही बात बोली थी, चलिए इससे भी थोड़ा कम करवाते हैं। और बोलता है कि इससे कम का नहीं मिलेगा, मतलब 10-12 रुपए का। तो नारियल वाला बोलता है कि आप थोड़ा सा और आगे चले जाइए, एक अच्छा मार्केट आएगा और वहां पर आपको ये नारियल मात्र 10 रुपए में मिल जाएगा। तो बड़ा खुश होता है आदमी कि हाँ यार सही बात है, चलो आगे चलते हैं। और जब वो आगे जाता है और आगे बड़ा मार्केट आता है और वहां पे जाके वो नारियल का भाव पूछता है कि सर नारियल कितने का दिया? तो बोलते हैं कि 10 रुपए का। फिर वो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है कि हाँ यार सही बात है, 10 रुपए का नारियल मिल रहा है, चलो इससे भी कम करवा के देखते हैं। और बोलता है कि इससे कम में नहीं मिलेगा। तो दुकान वाला बोलता है कि आप एक काम करो, थोड़ा सा और आगे चल जाइए और वहां पर आपको यही नारियल मात्र 5 रुपए में मिल जाएगा। वो आदमी बड़ा खुश होता है और
और थोड़ा और आगे चला जाता है, और वहां पर जाके जब वो भाव पूछता है कि भाई साहब नारियल कितने का दिया, तो दुकान वाला बोलता है कि 5 रुपए का दिया, तो बोलता है जो लेने वाला होता है बोलता है कि क्या यार 5 रुपए का, इससे कम में नहीं मिलेगा, 2-3 रुपए में नहीं मिलेगा। तो दुकान वाला बोलता है कि भैया जी एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा यहां से और आगे जाइए और आपको एक नारियल का, नारियल के बहुत सारे पेड़ दिखेंगे, आप खुद ही तोड़ के ले आइए, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो जो नारियल लेने वाला था बड़ा खुश हो जाता है कि चलो फ्री में ही काम हो रहा है, तो थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। और जब वो आगे जाता है तो उसको नारियल के पेड़ दिखते हैं। अब नारियल का पेड़ देख के, नारियल इस तरीके से मतलब लटक रहे होते हैं, तो वो क्या करता है नारियल को तोड़ने के लिए मतलब छलांग लगाता है, मतलब ऐसे पकड़ नहीं आ रहा था, वो पकड़ नहीं पा रहा था, तो जैसे छलांग लगा के उस नारियल को ऐसे कैसे पकड़ता है वो, तो जो नारियल की जो टहनी होती है, टहनी जानते हो ना, वो टहनी क्या है, वजन की वजह से झुक के इधर चली जाती है। सपोज करो यहां नारियल लगा है, सपोज करो ये नारियल लगा हुआ है, ये नारियल यहां पे लगा हुआ है, ये आदमी है, अब इसको जैसे पकड़ेगा तो टहनी क्या होगी, इधर झुक गई, समझ लो आप मेरी बात को, आपने देखा होगा ऐसा। अब जैसे वो यहां से इधर जाता है तो लटकता हुआ नीचे चला जाता है, इधर लटक जाता है इसके ऊपर, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे होता है कुआ, कुआ जानते हो ना, बावड़ी कुएं होते हैं, तो कुआ था इसके नीचे जिसमें पानी भरा हुआ था। अब करे तो क्या करे, जो बंदा था नारियल के लटका हुआ है, अब अगर हाथ छोड़ता है तो क्या होगा, कुएं में गिरेगा। अब परेशानी में फंस गया वो बंदा कि अब क्या करे यार, अपन 20 रुपए के नारियल के लिए इतनी बड़ी परेशानी में फंस गए। तो आगे क्या होता है कि एक उसके पास में से एक ऊंट वाला निकल के जा रहा होता है, मतलब ऊंट लेके जा रहा होता है, तो उस आदमी को आवाज लगाता है कि यार बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे यहां से बाहर निकालो। और ऊंट वाला आता है और ऊंट पे बैठकर थोड़ा सा उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। अब जो आदमी ने नारियल पकड़ रखा है उसके नीचे दो पैर इस तरीके से लटके हुए हैं, तो जो ऊंट वाला होता है वो क्या करता है, पैरों को पकड़ लेता है, और जैसे वो भी पैरों को पकड़ता है ऊंट पीछे खिसक जाता है और दोनों लटक जाते हैं कुएं में। देखो आप कंडीशन को, मतलब यहां पर तो लटका हुआ है जो नारियल लेने आया था, उसके नीचे ऊंट वाला लटका हुआ था। अब जो नीचे ऊंट वाला आदमी था, जो रेबारी था, वो बोलता है कि नारियल कितना बड़ा है, तो जो ऊपर वाला आदमी यहाँ छोड़ के बोलता है कि इतना बड़ा है, और जैसे बताता है तो क्या होता है, नारियल को छोड़ दिया और नीचे धड़ाम से कुएं में गिर गए। तो यार आप प्राइस के चक्कर में कहीं कुएं में ना गिर जाए, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, प्राइस मत देखो, आपको कंटेंट की कीमत चुकानी पड़ेगी, बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं होता है, और ये कोई कीमत ज्यादा नहीं है। एक तो पता चले कि आप कम प्राइस के चक्कर में कुएं में गिर जाओ, और कुएं में गिर जाओगे तो हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना कुछ सोचे समझे डेमो वीडियोस देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्राइस को ना देखें, क्योंकि ये 3,000 रुपए मायने नहीं रखते आपके एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम इन 3,000 से कहीं गुना बड़ा है, तो बिल्कुल आज से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब एग्जाम फाइट आप करोगे ना तो यहां दिल से खुशी होगी और बोलोगे कि वाकई में यार मजा आ गया, एग्जाम फाइट हो गया, हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गए, हम कृषि पर्यवेक्षक बन गए, हम एक अच्छा कॉलेज मिल गया, हमने JET ICER फाइट कर लिया। और तब होगा जब आप मेहनत करोगे। तो आज इस समय प्राइस के बारे में मत सोचो, ऑफर सिर्फ सीमित है, ऑफर सिर्फ 5 बजे तक था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परचेज नहीं कर पाए हैं, तो इस ऑफर को रात के 10 बजे तक कर दिया गया है। अब आपको कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इसकी प्राइस JET ICER की 4,000 से 3,000 कर दी गई है, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं इसकी प्राइस 3,000 रुपए थी और इसकी प्राइस आपके 2,000 रुपए कर दी गई है। तो बिल्कुल ऐसा मौका आपकी लाइफ में बार बार नहीं आने वाला, खुद सरस्वती आपके द्वार आइए, आज ही परचेस कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। नया साल है, नई शुरुआत कीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इस भरोसे मत बैठिए कि हाँ कोरोना खत्म होगा उसके बाद में हम ऑफलाइन तैयारी करेंगे। देखो समय निकलता है, आप कितना भी सोचो समय नहीं रुकेगा, और समय एक बार निकलने पर वापस नहीं आता है, तो इस समय का सदुपयोग करें, टाइम आपके पास है, तैयारी में लग जाइए और आज से एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम फाइट करना है, टॉप रैंक पे हमें लाना है, और ये तब हो पाएगा जब आप आज से तैयारी में लगोगे। अगर थोड़ा सा पैसा आपके बचता है तो बचाइए और आज ही परचेस कीजिए। जो कोर्स आपको मार्केट में 15,000 रुपए का मिलता था, सिर्फ JET की बात कर रहा हूं, अगर ICER का करोगे तो 15 उसके 30,000 रुपए, दोनों कोर्स आपको मात्र 3,000 रुपए में मिल रहे हैं। तो देरी किस बात की, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला, जाइए। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, किस तरीके से परचेस करना है मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा उसमें स्टोर का, स्टोर पे आपको क्लिक करना है और जो भी कोर्स आपको परचेस करना है जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट एंड आईसीआर तो उस पर क्लिक करें। नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करोगे पेमेंट मेथड आपसे पूछेगा जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके अलावा गूगल पे, फोन पे, सबसे आप कर सकते हो। जैसे आप पेमेंट करोगे आपके सारे के सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, आज ही परचेस कीजिए क्योंकि इस कोर्स की प्राइस बढ़ सकती है डिमांड के अकॉर्डिंग। हो सकता है कल ही इस कोर्स की प्राइस 5000 हो जाए, मतलब प्राइस घट और बढ़ सकती है और जहां तक चांसेस हैं इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो बिल्कुल यार आज से ही परचेस कीजिए और आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम फाइट करो, जो भी आप हासिल करना चाहते हो बिल्कुल हासिल करो। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय फ्रेंड, बाय बाय।